जीतने का वादा 8 गुना ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी ग्रैंड लीग जीतने के चांस 8 गुना तक बढ़ा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल D11 टीम्स में। आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन के ग्राउंड के ऊपर। 24 जुलाई को शाम को 7 बजे मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम के अनुसार। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो याद से ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक याद से कर दीजिएगा, आपके लाइक से काफी मोटिवेशन मिलती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट और पिच बिहेवियर के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि मैच खेला जाएगा क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन के ग्राउंड के ऊपर। अगर दोस्तों इस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ की पिच आपको काफी हद तक एक बैलेंस पिच देखने को मिल सकती है, जो कि बैट्समैन प्लस बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। वहीं दोस्तों इस ग्राउंड के कुछ ODI रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड के ऊपर अब तक टोटल 65 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 31 और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैच जीते। यानी दोस्तों मैच तो कोई भी टीम जीत सकती है, बैटिंग फर्स्ट या बैटिंग सेकंड, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हाई चांस ये है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग चूज कर सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इन 65 मैचों में स्कोर पैटर्न की, तो 200 से नीचे स्कोर 22 बार बना है, 200 से 249 के बीच में स्कोर 17 बार बना है, 250 से 299 के बीच में स्कोर 17 बार बना, और 300 प्लस स्कोर 9 बार बना है। अब दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम ऑफ टाइम स्कोर है वो 200 से नीचे बना है। लेकिन दोस्तों आपको एक खास बात बता दूं कि अगर इंडिया की टीम यहां पे पहले बैटिंग करती है तो आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और इस केस के अंदर आप इंडिया के बैट्समैन को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। वहीं दोस्तों यहां पे अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करती है तो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, और उस केस के अंदर दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की ज्यादा टीमें बना रहे हो तो आप इंडिया के किसी बॉलर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने का रिस्क ले सकते हो। वहीं दोस्तों इस सीरीज का जो पहला वनडे मैच था वो इसी ग्राउंड के ऊपर खेला गया था। उस मैच में दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की थी, और इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 308 रन बनाए थे 7 विकेट पे, और वेस्ट इंडीज की टीम 305 रन बना पाई थी 6 विकेट पे, और 3 रनों से वो मैच इंडिया जीत गई थी, जिसके अंदर प्लेयर ऑफ द मैच थे शिखर धवन। अगर दोस्तों उस मैच में हम फास्ट वर्सेस स्पिन की बात करें तो पहली इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को भी 3 विकेट मिले थे, और दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों उस मैच में इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने 97, शुभमन गिल ने 64, श्रेयस अय्यर ने 54 रन बनाए थे, दीपक हुड्डा ने 27 और अक्षर पटेल ने 21 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों उस मैच के अंदर वेस्टइंडीज की तरफ से कार्ली मैरिस ने 75, ब्रेंडन किंग ने 54, निकोलस पुरन ने 25, अकील हुसैन ने 32 रन 1 विकेट, रोमारियो सेफर ने 39 रन 1 विकेट, और जी मोटे को 2 विकेट और अल्जारी जोसेफ को 2 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों उस मैच में इंडिया की तरफ से यहाँ पे मोहम्मद सिराज, यूजी चहल और साधु ठाकुर को 2-2 विकेट मिले थे। अब दोस्तों ये वाले प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों ग्रैंड लीग के अंदर मैं आपको ऐसे 2 से 3 प्लेयर बताऊंगा जिनका सिलेक्शन कम होगा, लेकिन वो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी दोस्तों ओवरऑल पिच की बात करें तो आपको काफी हद तक एक बैलेंस पिच देखने को मिल सकती है, जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को फेवर कर सकती है। बाकी दोस्तों इंडिया के थोड़े जीतने के चांस थोड़े हाई है, क्योंकि इंडिया की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी फिर भी पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम भी प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो होगी ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात। अगर हम बात करें इस पिच के बेसिस पे आपके लिए कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो इंडिया की तरफ से शिखर धवन, यूजी चहल, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर दोस्तों शुभमन गिल की जगह ईशान किशन खेले तो ये प्लेयर भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से आपके लिए निकोलस पुरन, अकील हुसैन और जेसन होल्डर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर जेसन होल्डर ना खेले उस केस के अंदर आप रोमारियो सेफर्ड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट दिखा सकते हो। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि लास्ट मैच के अंदर आप देखोगे मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और उसके बाद यूजी चहल को विकेट मिले थे, लेकिन दोस्तों लास्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट नहीं मिला था, तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रह सकता है, काफी कम सिलेक्शन होगा। और अगर दोस्तों इंडिया की टीम यहां पे अर्शदीप सिंह को मौका देती है तो इस प्लेयर को आपको याद से टीम के अंदर 100% सिलेक्ट करना, क्योंकि लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम पेसर है और ये प्लेयर विकेट निकालेगा ही निकालेगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें वेस्टइंडीज की तरफ से, तो लास्ट मैच में अकील हुसैन को विकेट मिले थे, उसका दोस्तों यहां पे जेडन सेल्स को कोई विकेट नहीं मिला था और अल्जारी जोसेफ को विकेट मिले थे, तो जेडन सेल्स आपके लिए ग्रैंड लीग का एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें कुछ ग्रैंड लीग की और पिक्स के बारे में, तो एस ब्रुक्स आपके लिए ग्रैंड लीग की अच्छी पिक रह सकती है, सूर्य कुमार यादव नंबर 1 पिक रह सकती है, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर काफी फ्लॉप रहता है प्लेयर। और एक खास बात और बता दोस्तों, अगर आप इंडिया के टॉप ऑर्डर के 1 या 2 बैट्समैन जैसे शिखर धवन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये तीनों इंडिया की तरफ से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे, आप इनमें से किसी 1 या 2 को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, उस केस के अंदर आप सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हो। उसका दोस्तों लास्ट मैच कीमो पोल नहीं खेले थे, अगर खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उसका दोस्तों साई ओप और अक्षर पटेल, अगर दोस्तों इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तो आपके लिए अक्षर प्लेयर भी ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको बता दूं कि यूजी चहल और अकील हुसैन तो आपके लिए फॉर श्योर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
बाकी दोस्तों पिच के रिगार्डिंग अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। जीतने का वादा आठ गुना ज्यादा। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि आप फैंटेसी क्रिकेट के अंदर अपनी ग्रैंड लीग जीतने के चांस आठ गुना तक बढ़ा सकते हो, तो आपको ये सुन के कैसा लगेगा? फॉर श्योर आप यही पूछोगे कि कैसे हम जीतने के चांस आठ गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपनी ग्रैंड लीग जीतने के चांस आठ गुना बढ़ा सकते हो ओनली ऑन माई इलेवन सर्कल ऐप पे खेल के। वो कैसे दोस्तों? मान लीजिए आप किसी दूसरे फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों आपकी जो कंपटीशन में टीमें हैं वो भी ऑलमोस्ट आपको 1 करोड़ ही देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों माई इलेवन सर्कल ऐप पे मैक्सिमम ऑफ टाइम आपको फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ मिलेगा, और दोस्तों आपके कंपटीशन में उस लीग के अंदर टीम होगी मात्र 8 लाख, यानी ऑटोमेटिकली आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपके जीतने के चांस 8 गुना तक बढ़ जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और मेगा लीग खेलना स्टार्ट कीजिए। इतना नहीं दोस्तों, अगर आप इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर मेगा लीग में फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको मिलेगा महिंद्रा थार एज अ फर्स्ट प्राइज। देखो दोस्तों, फैंटेसी वर्ल्ड में सबसे कम कंपटीशन आपको माई इलेवन सर्कल ऐप पे मिल रहा है और सबसे ज्यादा जीतने के चांस आपको माई इलेवन सर्कल ऐप पे मिल रहे हैं। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर दोस्तों आप हमारे लिंक से डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेगा 1500 रुपए का साइनिंग बोनस, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए खास ऑफर है जिनमें उनको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, या फिर दोस्तों आप हमारा कूपन कोड YT2022 यूज कर सकते हो डिपॉजिट करते टाइम, तो भी आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई इलेवन सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ वेस्ट इंडीज विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों, अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके लिए बैटिंग ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वेस्ट इंडीज की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे शाई होप और कैल मेयर्स, और उसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं एस ब्रुक्स। यानी दोस्तों वेस्ट इंडीज की तरफ से ये जो 3 प्लेयर है वो आपके लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों मिडल ऑर्डर की कमान संभालेंगे ब्रेंडन किंग, निकोलस पुडन, रोमन पोवेल, और उसके बाद दोस्तों बॉलिंग की कमान संभाल सकते हैं अकील हुसैन, रोमारियो सेफर्ड, अल्जारी जोसफ, गुदाकेश मोती और जेडन सेल्स। अब दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे अकील हुसैन आपके लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं और रोमारियो सेफर्ड आपके लिए ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और दोस्तों कुछ ओवर की बॉलिंग यहाँ पे निकोलस पुरन भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें वेस्ट इंडीज की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो आपके लिए काइली मेयर सेफ है, एस ब्रुक सेफ है, निकोलस पुरन सेफ है, अकील हुसैन सेफ है और अल्जारी जोसफ सेफ है। अगर दोस्तों आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आपको बता दूं कि अगर आप शिखर धवन को अपनी टीम में ड्रॉप कर रहे हो उस केस के अंदर आप निकोलस पुरन को याद से ट्राई कीजिएगा, उस केस में आप अल्जारी जोसफ को याद से ट्राई कीजिएगा, उस केस में आप जेडन सिल्स को याद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट मैच के अंदर शिखर धवन ने 97 रन बनाए थे, तो मैक्सिमम पब्लिक शिखर धवन को इस मैच में लेने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे वेस्ट इंडीज की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे अल्जारी जोसफ और जेडन सिल्स, ये दोनों प्लेयर। तो अगर आप इन दोनों को ले रहे हो और मान के चलते हैं कि इनमें से किसी का कोई शिखर धवन की विकेट निकाल के ले जाता है तो आपके जीतने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे जो निकोलस पुरन है वो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे शिखर धवन है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो ये प्लेयर भी उसको आउट कर सकता है। वहीं दोस्तों ग्रैंड लीग की दूसरी मोस्ट पिक है गुदाकेश मोती, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, काफी अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद दोस्तों आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में साई होप को मौका दे सकते हो, काफी कम सिलेक्शन होने वाला है लेकिन दोस्तों प्लेयर ओपनिंग करने आएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपके लिए सेफ चॉइस ऑलरेडी बता दी है। बाकी दोस्तों ये प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 है, क्योंकि यहाँ पे एक दो चेंज हो सकते हैं। हो सकता है वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ पे कीमो पोल को मौका दे दे या किसी और प्लेयर को मौका दे दे, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 ऑफ इंडिया विद बैटिंग ऑर्डर। देखो दोस्तों इंडिया की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे शिखर धवन और शुभमन गिल, उसके बाद 3 नंबर पर बैटिंग करने आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। यानी दोस्तों इंडिया की तरफ से ये 3 प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंडिया की तरफ से मिडिल ऑर्डर की कमान संभालेंगे सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल, और दोस्तों इंडिया के लिए बॉलिंग की कमान संभालेंगे शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, यूजी चहल और प्रसिद्ध कृष्णा। अगर दोस्तों हम बात करें इंडिया की तरफ से सेफ ऑप्शन, तो शिखर धवन, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर तीनों आपके लिए सेफ है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और यूजी चहल, ये तीनों आपके लिए सेफ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे कुछ कैच है। लास्ट मैच में शिखर धवन ने 97 रन बनाए थे, और अगर आप ग्रैंड लीग की 10-11 टीमें बना रहे हो तो 2-3 टीमों में शिखर धवन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अगर शिखर धवन जल्दी आउट हो जाता है तो आपके 90% ओपोनेंट इस प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, तो आपके जीतने चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों लास्ट मैच में सूर्य कुमार यादव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो आप ग्रैंड लीग की कुछ टीमों में इस प्लेयर को याद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा में से किसी एक को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में याद से ट्राई कीजिएगा, इनमें क्योंकि इनमें से कोई प्लेयर बॉलिंग भी कर सकता है। वहीं दोस्तों सबसे खास बात कि लास्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट नहीं मिले थे, लेकिन ये प्लेयर इस मैच में ग्रैंड लीग में इंपॉर्टेंट रह सकता है। और अगर दोस्तों यहाँ पे अर्शदीप सिंह खेलता है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह और इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करती है, तो आप अर्शदीप सिंह को ग्रैंड लीग की एक टीम में कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। बाकी दोस्तों प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है, अगर इस प्लेइंग 11 में कोई एक या दो चेंज होगा तो वो चीज मैं आपको बाद में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके आज से ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हम करते हैं प्लेयर कंपैरिजन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्लेयर कंपैरिजन करने वाले सेक्शन वाइज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन के बारे में। विकेट कीपर हमारे पास वेस्टइंडीज की तरफ से साई होप ओपनिंग की थी, 7 रन बनाए थे लास्ट मैच में। संजू सैमसन 5 या 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 12 रन बनाए थे लास्ट मैच में। ईशान किशन लास्ट मैच नहीं खेले थे, अगर दोस्तों ईशान किशन ये वाला मैच खेलते हैं तो ओपनिंग करने आ सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस है साई होप। रीजन क्या है, ओपनिंग करने आता है, हालांकि लास्ट मैच में जल्दी आउट हो गया था, लेकिन आप स्मॉल लीग की टीम में इस प्लेयर को मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर ईशान किशन खेले उस केस के अंदर आप फर्स्ट चॉइस ईशान किशन को दे सकते हो। बाकी दोस्तों आप ग्रैंड लीग की मैक्सिमम टीमों में यहाँ पे साई होप को मौका दीजिएगा, कुछ टीमों में आप संजू सैमसन को भी मौका दे सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं बैट्समैन सेक्शन के बारे में। बैट्समैन हमारे पास यहाँ पे वेस्टइंडीज की तरफ से एस ब्रुक्स 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, 46 रन बनाए थे लास्ट मैच में। ब्रेंडन किंग 4 नंबर बैटिंग करने आए थे, 54 रन बनाए थे। रोमन पोवेल 6 नंबर बैटिंग करने आए थे, 6 रन बनाए थे। निकोलस 4 या 5 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 25 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों इंडिया की तरफ से शिखर धवन ओपनिंग की थे लास्ट मैच में, 97 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर 3 नंबर बैटिंग करने आए थे, 64 रन बनाए थे। शुभमन गिल ने ओपनिंग की थी, 54 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव 4 नंबर बैटिंग करने आए थे, 13 रन बनाए थे। और दीपक हुड्डा 5 या 6 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 27 रन बनाए थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो, आपका फर्स्ट चॉइस है शिखर धवन, सेकंड चॉइस है श्रेयस अय्यर, थर्ड चॉइस आप शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से आपका फर्स्ट चॉइस है निकोलस पुरन और सेकंड चॉइस आप एस ब्रुक्स और ब्रेंडन किंग में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ तो आप कुछ टीमों में शिखर धवन या शुभमन गिल में किसी एक या दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क लो, और आप इन दोनों को ड्रॉप करने का अगर रिस्क ले रहे हो उस केस में आप यहाँ पे अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और निकोलस पुरन, इन तीनों को याद से ट्राई कीजिएगा अपनी टीम के अंदर। अगर आप इन दोनों को ड्रॉप रहे हो उस केस में आप अपनी टीम में श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव को मौका दे सकते हो या दीपक हुड्डा को भी मौका दे सकते हो। वहीं दोस्तों लास्ट मैच में रोमन पोल फ्लॉप हुए थे, तो आप ग्रैंड लीग की एक दो टीमों में इस प्लेयर को भी मौका दे सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में। ऑलराउंडर हमारे पास वेस्टइंडीज की तरफ से के मेयर्स ओपनिंग की थी लास्ट मैच में, 75 रन बनाए थे। किमो पोल लास्ट मैच नहीं खेले थे, जैसन होल्डर भी लास्ट मैच नहीं खेले थे। रोमारियो सेफर्ट 7 या 8 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, लास्ट मैच में 39 रन बनाए थे और 1 विकेट लिया था। जडेजा लास्ट मैच नहीं खेले थे। अक्षर पटेल 7 नंबर बैटिंग करने आ सकते हैं, 21 रन बनाए थे, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो आपका फर्स्ट चॉइस यहाँ पे रह सकते हैं रोमारियो सेफर्ड, एक अकेले प्लेयर के साथ जा सकते हो। उसके बाद अगर आप थोड़ा और सेफ जाना चाहो तो आप के मेयर्स को मौका दे सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर होल्डर खेलते हैं तो आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में होल्डर को याद से ट्राई कीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो तो आप अक्षर पटेल को मौका दे सकते हो, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तो। अगर जैसन होल्डर खेलते आप जैसन होल्डर को मौका दे सकते हो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग में दोस्तों हमारे पास वेस्टइंडीज की तरफ से जेडन सील्स राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 0 पे आउट हो गए थे। गुदाकेस मोटाई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे। अकील हुसैन को लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था। अल्जारी जोसेफ को लास्ट मैच में 2 विकेट मिले थे। वहीं दोस्तों इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज को 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं, यूजी चहल को 2 विकेट, अवेश खान लास्ट मैच नहीं खेले थे, शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट, अर्शदीप सिंह लास्ट मैच नहीं खेले थे। देखो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप टीम स्मॉल लीग के लिए बना रहे हो तो इंडिया की तरफ से फर्स्ट चॉइस है यूजी चहल, सेकंड चॉइस है शार्दुल ठाकुर और थर्ड चॉइस आप मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में किसी एक को दे सकते हो। वहीं दोस्तों आपके लिए वेस्टइंडीज की तरफ से फर्स्ट चॉइस है अल्जारी जोसेफ, सेकंड चॉइस है अकील हुसैन। उसके बाद अगर आप ज्यादा बॉलर लेना चाहो तो आप गुदाकेश मोती को मौका दे सकते हो ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाओ और अगर अर्शदीप सिंह खेले तो आप इस प्लेयर को ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन या कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे। और अगर दोस्तों यहाँ पे आप ये मान के चल रहे हो कि शिखर धवन जल्दी आउट होगा उस केस में आप जेडन सील्स को अपनी टीम में मौका दे सकते हो। बाकी दोस्तों अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करे तो आप इंडिया के किसी बॉलर को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम के अंदर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं टीम और टिप्स की। दोस्तों मैंने यहाँ पे माई 11 सर्कल ऐप की टीम बनाई, बाकी आपको हर एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म की टीम हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। इस टीम में विकेट कीपर में लिया निकोलस पुरन को, बैटिंग में लिया शिखर धवन, के मेयर, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल को, ऑलराउंडर में लिया दीपक हुड्डा को,
बॉलिंग में लिया रोमारियो, सेफर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद सिराज और यूजी चहल को। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 प्लेयर चूज किए, 11 प्लेयर यहाँ पे मैं अलजारी जोसेफ को मौका दे सकता हूँ, अर्शदीप सिंह को मौका दे सकता हूँ। अगर इंडिया की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो हो सकता है मैं सारे बॉलर इंडिया के चूज कर लूँ और वेस्ट इंडीज का एक बॉलर चूज करूँ। अगर वेस्ट इंडीज की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो मैं ये टीम रख सकता हूँ। वहीं दोस्तों यहाँ पे मैं ब्रेंडन किंग को भी मौका दे सकता हूँ, एस ब्रुक्स को भी मौका दे सकता हूँ और मैं के मेयर्स को ड्रॉप करूंगा। ये चीज़ मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पर बता दूंगा। अगर दोस्तों इस टीम में हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैक्सिमम पब्लिक कैप्टन बनाएगी शिखर धवन, उसके बाद लोग कैप्टन बनाएंगे श्रेयस अय्यर, उसके बाद लोग कैप्टन आएंगे के मेयर्स। इन तीन बंदों के साथ मैक्सिमम पब्लिक जाने वाली है तो आप इनके साथ जा सकते हो। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो आप निकोलस प्रोन को मौका दे सकते हो, यहाँ पे आप किसको मौका दे सकते हो, अकील हुसैन को मौका दे सकते हो। अगर अर्शदीप सिंह खेले तो आप उसको मौका दे सकते हो। अगर दोस्तों आप ग्रैंड लीग के अंदर ज्यादा रिस्क लेना चाहो तो आप कुछ टीमों के अंदर शिखर धवन को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर आप शिखर धवन को ड्रॉप करो उसके साथ आप अलजारी जोसेफ और जेडन सिल्स में किसी एक या दोनों को याद से मौका दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में वही बॉलिंग करने आएंगे पावर प्ले में वेस्ट इंडीज की तरफ से। बाकी दोस्तों डेमो टीम इसमें एक या दो चेंज हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अभी तक अगर आपने माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज से डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। देखो दोस्तों माई 11 सर्कल ऐप पे आपको सबसे कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, यानी आपके जीतने के चांस ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और आप इंडिया और वेस्ट इंडीज के दूसरे ओडीआई मैच के अंदर ग्रैंड लीग जीतते हो तो आप माई 11 सर्कल ऐप पे जीत सकते हो महिंद्रा थार। और अगर दोस्तों आप डिपॉजिट करते टाइम हमारा कूपन कोड YT2022 यूज करते हो तो आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो जल्दी कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिए, माई 11 सर्कल डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले दूसरे वनडे मैच की मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग एंड फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।